सैमसंग गैलेक्सी M51 या वन प्लस नॉट, दोनों में से किसको लेना चाहिए? वेल हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ, आप देख रहे हो टेक हब। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले वन प्लस नॉट को और गैलेक्सी M51 को और देखेंगे कि दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright guys, इस वीडियो में हम आकर इन दोनों फोन्स को सात कैटेगरीज के बीच में कंपेयर करेंगे। हर कैटेगरी के एंड में मैं आकर मेरा प्रेफरेंस बताऊंगा और फिर वैसे ही पॉइंट्स ऐड कर करके देखेंगे लास्ट में कि कौन सा विनर है। Alright, तो हो सकता है कि आप आकर कुछ और प्रेफर करो, जैसे मैं बोलूंगा कि डिस्प्ले इसका अच्छा है और उसका अच्छा नहीं है, हो सकता है कि आपको उसका पसंद है, तो आप वैसे देख लेना, आप खुद ही कैलकुलेट करके देखो हर एक कैटेगरी में आपको कौन सा फोन पसंद है और फिर जो भी आकर ज्यादा होगा आप वो पिक कर लेना। एनीवेज, अभी वो सातों कैटेगरी है डिस्प्ले, डिजाइन, बिल्ड, परफॉर्मेंस, कैमरा, सॉफ्टवेयर, बैटरी एंड बर्न पॉइंट्स। सो अब पहले डिस्प्ले से बात करते हैं। वन प्लस नॉट में हमें 6.44 इंचेस का 1080p फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और ऊपर के और ड्यूल पंच होल देखने को मिलता है जिसमें ऑफकोर्स दो सेल्फी कैमराज देखने को मिलता है। दूसरी ओर गैलेक्सी M51 में हमें 6.7 इंचेस का 1080p सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा सेंटर पंच होल देखने को मिलता है। क्वालिटी वाइज बात करूँ तो दोनों डिस्प्लेस बहुत ही अच्छे हैं गाइस, क्योंकि ये AMOLED स्क्रीन से दोनों में एकदम पंची कलर्स, वाइब्रेंट और एकदम कलरफुल स्क्रीन देखने को मिलता है। लेकिन OnePlus Nord में बहुत सारे यूजर्स ने कंप्लेंट किया कि उनको स्क्रीन डिटेंशन, पंच होल बैंडिंग, स्क्रीन टिंटिंग इश्यूज, ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले। मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे यूनिट में आकर मुझे आकर पंच होल बैंडिंग देखने को मिला, बट ये जो भी इश्यूज मैंने बोला इन सबको टेस्ट करने के लिए आपको आकर एक यू नो कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट में जाना होगा, जैसे कि सारे लाइट्स ऑफ कर दो, ब्लैक या फिर ग्रे स्क्रीन ओपन करो आपके फोन में और एकदम डिस्प्ले को गिरा दो। उसके बाद अगर आपकी यूनिट में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको इश्यूज देखने को मिले, बट ये आकर क्योंकि कंट्रोलेबल है आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, इशू है नेवरदलेस और ये आकर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्पेशली जब आकर 25,000 आप पे कर रहे हो तो ये एक्चुअली एक कॉन है, बट मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपके लिए है तो आपको डेफिनेटली गैलेक्सी M51 के साथ जाना होगा, क्योंकि मैं गैलेक्सी M51 को तो टेस्ट ही कर रहा हूँ और मेरे को ऐसे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। तो अगर आपको ऐसे क्वालिटी वाइज प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप गैलेक्सी M51 के साथ जाओ, बट अगर आप आकर यू नो ट्राई करना चाहते हो कि होगा तो देख लेंगे, OnePlus Nord के साथ जा सकते हो। अब OnePlus Nord के डिस्प्ले के साथ एक क्लियर और मैसिव एडवांटेज देखने को मिलता है और वो है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। क्या ये बहुत बड़ा फीचर है? बिल्कुल भी नहीं, बट क्या आप 25,000 पे ही कर रहे हो और ये आपको मिल ही रहा है तो क्या ये बेटर है कंपेयर टू 60 हर्ट्ज? डेफिनेटली यस गाइस, अगर मैं खुद 25,000 देकर खरीद रहा हूँ फोन तो मैं चाहूंगा कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिले, और जब OnePlus Nord में देखने को मिल रहा है और गैलेक्सी M51 में नहीं तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा एडवांटेज है OnePlus Nord के साथ। तो मेरी पूछो तो मैं ओवरऑल OnePlus Nord के साथ जाऊंगा डिस्प्ले में, क्योंकि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है और डिस्प्ले भी काफी अच्छा गाइस, ऐसे बुरा नहीं है, बस वो स्क्रीन रिटेंशन ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, बट उसके अलावा बहुत ही अच्छा डिस्प्ले OnePlus Nord का भी, तो मैं OnePlus Nord का ही पिक करूंगा डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में। अब डिजाइन की बात करते हैं एंड गैलेक्सी M51 इज अ जोक। 25,000 में इतनी घटिया बिल्ड क्वालिटी, यानी प्लास्टिक देखने को मिलता है, एटलीस्ट एस्टर्न लाइट जैसे इसमें प्लास्टिक बैक रहता है परवाह नहीं, बट ये तो प्योर एंड प्योर प्लास्टिक है तो बहुत ही घटिया बैक है गाइस। मेरे को कभी कभार लगता है कि मैं कोई 10,000 का फोन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी चीप फीलिंग है गाइस। मतलब बहुत सारे दूसरे कंपनीज प्लास्टिक बैक यूज करते हैं बट उन लोग एटलीस्ट कोई इंटरेस्टिंग कलर फॉर्म देते हैं या फिर ऐसे टेक्सचर देते हैं, ये क्लीन सिंपल प्लास्टिक बिल्ड है गाइस और मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये। तो डिजाइन वाइज डेफिनेटली गैलेक्सी M51 एक डिसअपॉइंटमेंट है और मैं OnePlus Nord के साथ जाऊंगा, बट ये बिल्ड वाइज बात करूँ तो दोनों फोन्स काफी रिजिड है गाइस, ऐसे बेंडिंग वेंडिंग के इशू मेरे को देखने को नहीं मिले और प्लास्टिक होने के बावजूद ज्यादा क्रीक नहीं करता ये। OnePlus Nord में बाय द वे मैं बोलना भूल गया कि उसमें प्लास्टिक फ्रेम है, इसमें तो ऑफकोर्स प्लास्टिक फ्रेम है बट उसमें ग्लास पैक है और प्लास्टिक फ्रेम है, बट हाँ उसका बेटर है। तो ओवरऑल बिल्ड वाइज बात करूँ ये आकर 213 ग्राम का है, वो 184 ग्राम का है, तो ऑलमोस्ट 30 ग्राम का डिफरेंस देखने को मिलता है वेट वाइज, और बट परवाह नहीं यार, इसमें 7,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है तो एब्सोल्युटली वर्थ इट है वो 30 ग्राम एक्स्ट्रा हैवियर होना। तो हाँ, मैं जैसे बोल रहा था, ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड वाइज आई विल पिक OnePlus Nord ओवर द गैलेक्सी M51। और एक चीज बोलना भूल गया, अगर वाटर प्रूफिंग इंपॉर्टेंट है तो OnePlus Nord में एटलीस्ट सर्टिफिकेशन नहीं है बट एटलीस्ट उसमें सीलिंग तो है वाटर प्रूफिंग का, तो हाँ गैलेक्सी M51 में ऐसे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप बारिश वारिश में कहीं गलती से भी भीग है तो OnePlus Nord सर्वाइव कर पाएगा, बट ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो अगेन OnePlus Nord में वॉकर एक एडवांटेज देखने को मिलता है। अब बैटरी की बात करते हैं एंड दिस इज नो जोक, आराम से OnePlus Nord को आकर गैलेक्सी M51 पूरा क्रश कर देता है गाइस। 7,000 mAh बैटरी देखने को मिलती है इसमें, जबकि OnePlus Nord में सिर्फ 4,115 mAh की बैटरी है। वो आकर आपको एक पूरा दिन आराम से टिक जाएगा हैवी यूसेज के साथ, बट इस फोन के साथ आप हैवी यूसेज के बावजूद 2 दिन आराम से निकाल सकते हो गाइस। सो बैटरी वाइज अगर आपको सबसे बैटरी आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो ऑफकोर्स ये एक मॉन्स्टर है गाइस,
डेफिनेटली बोल सकता हूँ 7000 मिली एम्पर बैटरी एब्सोल्युटली वर्थ इट। अब ये चार्जिंग की बात करते हैं तो ऑफकोर्स OnePlus Nord इसमें जीत जाएगा क्योंकि इसमें छोटी बैटरी देखने को मिलती है और 30 वॉट का चार्जर है कम्पेयर टू 25 वॉट चार्जर इन द बॉक्स विद गैलेक्सी M51। तो लेकिन बैटरी लाइफ 7000 मिली एम्पर की बैटरी देखने के बावजूद 2 घंटे में चार्ज हो जाता है तो इट्स प्रीटी डिसेंट गाइस। प्लस बैटरी लाइफ एनी डे ओवर चार्जिंग स्पीड, तो इसकी बैटरी लाइफ मस्त है एंड आई विल टेक इट ओवर द चार्जिंग स्पीड। तो बैटरी वाइज ओवरऑल ऑफकोर्स गैलेक्सी M51 को ही पॉइंट जाता है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं और इस मामले में डेफिनेटली OnePlus Nord बेटर है गाइस। एक तो इसमें स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट देखने को मिलता है कंपेयर टू 730G, प्लस उसका जो ऑक्सीजन ओएस है वो और ज्यादा फास्ट और स्मूथ लगता है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस आपका सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, आपको गेमिंग वेमिंग करना है, हालांकि वो आपका फ्लैगशिप लेवल नहीं है बट डेफिनेटली 730G से तो बेटर है 765G। तो अगर आपको गेमिंग करना है तो आप 765G के साथ जा सकते हो जो कि OnePlus Nord में देखने को मिलता है। ये डे टू डे टास्क में मेरे को ज्यादा हैंग होते नहीं देखने को मिला, 2-3 बार हाँ हालांकि लैग हुआ, मेरे को एक बार इनफैक्ट रीस्टार्ट भी करना पड़ा, बट मैं जब आकर उसको पुश कर रहा था तभी मेरे को गैलेक्सी आकर लैग करते हुए देखने को मिला। बट ओवरऑल अगर आप सिर्फ एक कैशुअल यूजर हो तो 730GB आपको आकर काम आ जाएगा, बट ओवरऑल एट द प्राइस ऑफ 25K डेफिनेटली 765G इन द OnePlus Nord इज बेटर। तो मैं OnePlus Nord के साथ जाऊँगा परफॉर्मेंस राउंड में। प्लस OnePlus Nord में ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलता है तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए पर्सनली। अब कैमरास की बात करते हैं, दोनों में ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। क्वाड कैमरा के नाम में दो तो डेप्थ और मैक्रो कैमरा है तो वो तो बुलशिट है, बट दोनों का मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों बहुत ही अच्छा है गाइस। OnePlus Nord में आकर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है जबकि इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। अब ऑफकोर्स मैंने दोनों को साइड बाय साइड तो टेस्ट नहीं किया, ऑफकोर्स OnePlus Nord मेरे पास पहले था अभी नहीं है, बट दोनों के जब मैं सैंपल्स को कंपेयर किया, मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं दोनों का पर्सनली यूज करने के बाद, मैं बोलूंगा कि दोनों बहुत ही अच्छे कैमरास है गाइस। इस प्राइस में बहुत ही डिसेंट है दोनों फोन्स, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अब वीडियो डिपार्टमेंट में दोनों फोन्स काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। OnePlus Nord में हम 4K 30fps तक शूट कर सकते हैं बट उसमें 1080p एट 60fps एज वेल एज 30fps देखने को मिलता है, जबकि गैलेक्सी M51 में सिर्फ 1080p एट 30fps एंड 4K 30fps देखने को मिलता है। तो उसमें 60fps क्यों नहीं अभी तक, आई एम वेरी डाउटफुल। इफ एनीवन फ्रॉम सैमसंग इज वॉचिंग प्लीज इसमें 1080p एट 60fps एनेबल कर दो गाइस, बहुत मजा आएगा, बट इसमें नहीं देखने को मिलता वो काइंड ऑफ एक कॉन है। प्लस OnePlus Nord में अगर OIS देखने को मिलता है, इसमें OIS नहीं है, तो वो भी एक एडवांटेज है OnePlus Nord के लिए। सेल्फीज वाइज मैं डेफिनेटली OnePlus Nord को पिक करूंगा क्योंकि आप जैसे देख सकते हो गैलेक्सी M51 के सेल्फीज में आकर बहुत ज्यादा फेस स्मूथनिंग हो रही है तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्लस OnePlus Nord के सेल्फी कैमरा के साथ ये एडवांटेज है कि आप उसमें 4K 60fps तक शूट कर सकते हो, बैक कैमरा में नहीं 60fps बट फ्रंट कैमरा में, काइंड ऑफ फनी, बट हाँ उसमें आप 4K 60fps तक शूट कर सकते हो जबकि इसमें सिर्फ आप 4K 30fps तक शूट कर सकते हो। तो अगेन सेल्फी कैमरा वाइज मैं OnePlus Nord को पिक करूंगा। अब हो सकते हैं कि आपको गैलेक्सी M51 का कैमरा ज्यादा पसंद है बट मेरी बात करें तो वेल मैं मेरा पॉइंट तो OnePlus Nord के दूंगा ओवरऑल कैमराज वाइज। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं एंड क्लियरली OnePlus Nord को ही मेरा पॉइंट जाएगा गाइस। एक तो इसमें ऑक्सीजन ओएस देखने को मिलता है प्लस वो एकदम क्लीन और स्मूथ स्टॉक एंड्रॉइड का ही रिसेंबल करता है, बट गैलेक्सी M51 एक नॉन चाइनीज फोन होने के बावजूद बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्स के साथ आता है गाइस। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर वाइज मैं डेफिनेटली OnePlus Nord को ही पिक करूंगा, बट हाँ गैलेक्सी M51 में भी बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर फीचर्स है तो आप देख लो, अगर आपको OnePlus पसंद है तो आप गैलेक्सी M51 को पॉइंट देना, बट मैं पर्सनली OnePlus Nord को ही पॉइंट दूंगा। अब लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है बर्न पॉइंट गाइस। बेसिकली मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर्स लिए हूँ, उसमें मैं आकर देखते हुए बोलूंगा कि कौन सा मेरे को बेटर लगा। तो पहले बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की। OnePlus Nord में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जबकि गैलेक्सी M51 में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। एमोलेड स्क्रीन होने के बावजूद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलता, विच इज काइंड ऑफ सैड, बट ओवरऑल फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो दोनों के बहुत ही अच्छे गाइस, बहुत ही रेस्पॉन्सिव है। आप देख लो अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए तो OnePlus Nord को पॉइंट देना, यही अगर आपको साइड माउंटेड पसंद है तो ऑफकोर्स गैलेक्सी M51 को पॉइंट देना। अब स्पीकर्स की बात करते हैं एंड हैंड्स डाउन OnePlus Nord का मच मच बेटर है गाइस। वो ज्यादा लाउड है और ओवरऑल उसकी क्लैरिटी भी बहुत ही अच्छी है जबकि इसमें आकर लाउडनेस एकदम कम है गाइस। इसके पहले मैं Nokia 5.3 को टेस्ट कर रहा था, उसके स्पीकर्स इससे बेटर है गाइस। ये 25,000 में बहुत ही कचरा स्पीकर्स देखने को मिलते तो मेरे को गैलेक्सी M51 का स्पीकर सेटअप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कॉल क्वालिटी की बात करें तो दोनों इक्वल है गाइस, मेरे को दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला, सिग्नल रिसेप्शन भी बहुत ही अच्छा था। बट यही अगर वाईफाई स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका बुरा नहीं है बट मैं बोलूंगा कि वाईफाई स्ट्रेंथ OnePlus Nord में बेटर था। इस कमरे में बैठ के भी नीचे जो मेरा कमरा है वहां तक मेरे को सिग्नल देखने को मिलता था, इसमें आकर एक पॉइंट कम देखने को मिलता था। वाईफाई स्ट्रेंथ अगर आपको एक प्रायोरिटी है, कुछ लोग आकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव रहते हैं वाईफाई के साथ, और अगर आप वैसे बंदे हो तो डेफिनेटली OnePlus Nord का वाईफाई स्ट्रेंथ बेटर है कंपेयर टू गैलेक्सी M51।
हेडफोन जैक M15 में देखने को मिलता है, तो दो तीन पॉइंट दे देते हैं इसको एक साथ। अब सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करते हैं, डेफिनेटली OnePlus Nord, सैमसंग के फोन्स फ्लैगशिप फोन्स भी बहुत ही ज़्यादा स्लो अपडेट्स मिलते हैं उनको। ये तो वेल एक बजट फोन है एंड आई डोंट थिंक कि इसको एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा, जबकि OnePlus Nord में डेफिनेटली दो सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलेगा, तो OnePlus Nord को पॉइंट जाएगा। वाइब्रेशन की बात करें तो once again OnePlus Nord काफ़ी ज़्यादा बेटर है गाइस। इसके जो वाइब्रेशन से गैलेक्सी M51 में बहुत ही ज़्यादा कचरा है, तो वाइब्रेशन अगर आपकी प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली OnePlus Nord बेटर है गाइस। मेरे को बहुत ही चीप फीलिंग लगा वाइब्रेशन मोटर इसके अंदर, जो भी है भी कि नहीं पता नहीं, बट जो भी हो वाइब्रेशन गैलेक्सी M51 में बहुत ही घटिया है। हम बात करते हैं ऑटो ब्राइटनेस सेंसर की, दोनों फोन्स में बहुत ही गंदे ऑटो ब्राइटनेस सेंसर्स है, बट अगर मेरे को एक पिक करना होगा तो डेफिनेटली OnePlus Nord है गाइस। इसका बहुत ही ज़्यादा फिनिकी लगा, हो सकता है कि जाते जाते सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू सैमसंग आकर इसको फिक्स कर दे, बट अभी के हिसाब से बात करूँ तो सैमसंग में आकर ऑटो ब्राइटनेस सेंसर बहुत ही खराब है, तो OnePlus Nord को मैं अगेन पॉइंट दूंगा। एक्सेसरीज वाइज दोनों फोन्स का एक्सेसरीज डेफिनेटली मार्केट में देखने को मिलेगा, दोनों सैमसंग और OnePlus के फोन्स हैं, तो डेफिनेटली एक्सेसरीज वाइज दोनों फोन के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्टोरेज और प्राइसिंग की बात करते हैं एंड इसमें डेफिनेटली गैलेक्सी M51 को मेरा पॉइंट जाएगा गाइस। दोनों फोन्स 25,000 के स्टार्ट होते हैं, बट OnePlus Nord में सिर्फ 64GB है बेस यूनिट में, जबकि गैलेक्सी M51 के साथ 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है, प्लस इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी है। तो प्राइसिंग और स्टोरेज की बात करें तो डेफिनेटली मेरा वोट गैलेक्सी M51 को जाएगा। OnePlus Nord काइंड ऑफ ओवर प्राइस है, कंसिडरिंग उसमें सिर्फ 64GB देखने को मिलता है बेस वेरियंट में। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं तो मैंने OnePlus Nord को 10 पॉइंट दिया, जबकि गैलेक्सी M51 को सिर्फ 4 पॉइंट्स मिले, तो इसी से हमको पता चलता है कि OnePlus Nord एक बेटर ऑप्शन है गाइस। एंड यस, अगर मेरे पास 25,000 है और मेरे को मार्केट से एक फोन लेना था तो मैं डेफिनेटली OnePlus Nord को पिक करता हूँ ओवर गैलेक्सी M51 गाइस। बट अगर आप एक कैजुअल यूजर हो, आपको सिर्फ सैमसंग का ही फोन चाहिए, तो आप गैलेक्सी M51 को कंसिडर कर सकते हो गाइस। बैटरी लाइफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है और ना कि एक्सिनोस का, तो वो भी एक क्लियर एडवांटेज है। बट मी एज अ 22-year-old डेफिनेटली अगर मेरे पास 25,000 रहता तो मैं OnePlus Nord को ही पिक करता। एनीवेज गाइस, इस वीडियो को लेता है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा प्यार दिखा गाइस, एंड नीचे कमेंट करके बताओ आप गैलेक्सी M51 पिक करोगे या OnePlus Nord, लाइक बनता है। मेरा नाम था ऋषभ, आप देख रहे थे टेक हब, बातचीत करूंगा आपसे मेरे अगले वीडियो में, टेक इट इजी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ये बोल रहा हूँ कि OnePlus Nord एक बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन है।